4 साल बीत चुके हैं और 4 साल बीत जाएंगे लगता है। मेहनत रोजाना कर रहा हूं, बॉडी को रोजाना थका रहा हूं, जितना कर सकता हूं उससे 10 टाइम्स ज्यादा रोज कर रहा हूं, लेकिन तब भी मन के अंदर एक सवाल बार बार आ जाता है, कम बखत क्या आखिरी में सब कुछ मिलेगा ना? मैं जिस लाइन में लगा हूं उस मेहनत की, मैं जिस डॉक्यूमेंट्स को भर रहा हूं अपनी ख्वाहिशों के, इन सब के बाद आखिरी में मेरे पास मेरी वो चीज मिलेगी ना मुझे, जिस चीज की लालच में मैं यहां तक आ गया। लालच, हाँ यार लालच ही तो है। मैं भी चाहता था ना, मैं चाहता था ना कि मेरे मम्मी पापा को मैं जीते जी स्वर्ग दे पाऊं। मैं अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ ना सही, लेकिन मेरा जो बिजनेस है या फिर मेरी जो जॉब है जिसको मैं हासिल करना चाहता हूं उस तक पहुंच पाऊं। मैंने सुना था कि अगर तुमने 100% एफर्ट लगाए हैं तो तुम्हें रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। कब मिलेगा ये बताया ही नहीं किसी ने। 4 साल बीत चुके हैं मेहनत करते करते, 4 साल बीत चुके हैं खुद को इस कश्मकश में ढकेलते ढकेलते कि हाँ एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब थक गया हूं यार। पता है अब तो खुद पे तरस आता है, खुद को जब बोलता हूं ना यार कम से कम खाना खा लेते हैं, चल तब भी अंदर से निकलता है 15 मिनट भी नहीं है। इतना सब करने के अपनी नींदों को त्यागने के बाद, अपने दोस्तों के बर्थडे को भूलने के बाद, पेरेंट्स की किन लड़ाइयों के बीच में क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, इस पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ भूलने के बाद भी अगर मेरी लाइफ में मेरे पास 4 साल बाद भी मेरे 15 मिनट नहीं है, अगर मैं मेरी जिंदगी में वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मैं पहुंचना चाहता था, तो क्या अगले 4 साल में पहुंच पाऊंगा? ऐसी बातें अक्सर मुझे तोड़ देती है, ऐसी बातें अक्सर हर इंसान को तोड़ देती है कि जिस चीज के पीछे वो दौड़ रहा है वो चीज उसे मिलेगी या नहीं। ऐसा मुझे लगा था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया। अभी तक अगर तूने मेरी बातों से रिलेट करा है तो अब आगे भी करना। 4 साल में तू कहता है कि तेरे को रिजल्ट नहीं मिले, 4 साल में तू कहता है कि तू कहीं पहुंच नहीं पाया, 4 साल में तू कहता है कि तू कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। पलट कर देख इन 4 सालों को, पलट कर देख अपने उस हर अचीवमेंट को जिसको तूने अपनी पूरी जान लगा कर पाया है। पलट कर देख उन एफर्ट्स को जिन एफर्ट्स ने तेरे को स्ट्रांग बनाया है, पलट कर देख अपने उन ख्वाबों को जिन ख्वाबों की सड़क पर चलते चलते तू अपने आप को यहां तक लाया है। कमबख्त कौन कहता है कि तूने कुछ नहीं उखाड़ा? मैं कहता हूं तेरे आसपास वालों की तुझसे फटती है, पढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि वो तुझसे कुछ ऊपर नीचे ना बोलते हैं जिसको सुन के तेरे मन पे बात आ जाए, जिसके कारण तू आगे चल के उनसे नाराज ना रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी पता है बे कि तेरे नसीब में किस्मत में अगर सक्सेस लिखी हो ना लिखी हो, तेल लेने जाए तू साला छीन कर लाएगा। 4 साल हो गए, छोड़ो 8 साल भी हो जाएंगे ना, अगर किस्मत में सक्सेस नहीं लिखी है तो ना लिखी हो, हम साला खुद लिख के दिखाएंगे। अगर जिंदगी अभी तक अच्छी नहीं चली तो भले ना चली हो, आगे की हम अच्छी चलाएंगे। अगर भगवान ने नहीं दिया वो सब कुछ जो हम चाहते थे, मत दे, हम तुझसे छीन के दिखाएंगे। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, इंसान हर वक्त टूटता है। दिमाग को एक मौका चाहिए तुम्हें घर के अंदर डिप्रेशन में डालने का, तुम्हारे दिल को भी एक ही मौका चाहिए तुम्हारे उस छोटे से ख्वाब को हकीकत में बदल डालने का। मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं बार बार कहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, तू लायक है इसलिए नहीं क्योंकि तू बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इसीलिए क्योंकि तू पूरी सच्चाई से मेहनत कर रहा है। तू थक जाता है, तू हार जाता है, तू गिर जाता है, लेकिन साला तू फिर उठ जाता है। कैसा ठीक इंसान है बे। एक बात कहूं, मैं भी जाता हूं, थक मैं भी जाता हूं, मन के अंदर सवाल बार बार लेकर मैं खुद भी आ जाता हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि साला जो चीज किस्मत में नहीं लिखी फोड़ में जाए नहीं लिखी, मैं लिखकर दिखाऊंगा। जो किस्मत में मेरे इतनी वसीयतें नहीं थी ना, जो मेरे माँ बाप मेरे नाम पे छोड़ पाए, मैं साला अपने बच्चों के लिए छोड़ के दिखाऊंगा। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई ये बात माने या ना माने, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरे खुदा मेरे परमेश्वर ने मुझे वो चीजें नहीं दी जो मुझे चाहिए थी, उसको ये बात का मतलब पता था कि मैं वो चीजें खुद हासिल कर सकता हूं।
जिन लोगों को मिली हैं उन लोगों को शाबाशी है, उन लोगों के लिए दुआएं हैं कि उनके पास वो चीज रहे। बस कभी छिन गई ना, कभी अगर छिन गई ना वो चीज है, तो दम है ना तो वापस इकट्ठा करके दिखाना। और अगर साला हमसे छिन गई ना, हमें एक बार नहीं 10 बार लाइन लगा देंगे। तेरे पास मौका है खुद का साम्राज्य बनाने का, तेरे पास मौका है खुद की दम पे सब कुछ खड़ा करने का, तेरे पास मौका है। उस मौके पे तू खड़ा भी हुआ है। तेरे 4 साल की मेहनत नहीं, तेरे 8 साल की मेहनत भी है, तेरे 10 साल की मेहनत है, या फिर तेरे लास्ट 6 महीने की भी मेहनत है ना, उसको नमन है मेरा। अगर तूने उसको हार्ड वर्क के साथ करा है, मैं तुझसे रिलेट करता हूँ, मैं तेरी बातों को समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये बात तू कर जाएगा, मत सोच। मैं जानता हूँ तेरे मन में आ रहा है कि बहुत टफ है, मैं जानता हूँ तेरे मन में आ रहा है कि क्यों इतना बुरा हो रहा है तेरे साथ। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, उस तक पहुँचने का रास्ता है ये। रुक मत, हार मत, थक मत, गिर मत। गिर भी जाए तो उठ जाना दोबारा, उठने के लिए हिम्मत चाहिए हो तो मेरे अपने इस भाई को भूल मत जाना। वेल, एक ही चीज कहूंगा, कोशिश कर, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूं आज कल इस पूरी जिंदगी में। जब जब तू हिम्मत हारेगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा।